हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आज लाया हूं एक और अपडेट, और वो अपडेट है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस का 30% सिलेबस डिडक्ट कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और ये जो 30% डिलीट हुआ है सिलेबस, वो क्या क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल का एक ही मोटिव है, आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हर घंटे में एक वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, वो पूरी तरह प्रूफ के साथ सही वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आप लोग को सही जानकारी प्राप्त हो। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि MHRD ने एक अपना ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, जो कि CBSE बोर्ड के लिए था, और वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा और पूरे वीडियो के साथ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, CBSE बोर्ड के ओरिजिनल साइट से आप लोग पूरे सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। और साथ साथ मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस से डिडक्ट हुआ है, विद सब्जेक्ट वाइज या विद क्लास वाइज। तो वीडियो पर बने रहें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो बेस्ट एग्जाम के साथ। तो हाँ दोस्तों, देखिए NDTV एजुकेशन की तरफ से ये जो न्यूज़ आया है, इसमें कहते हैं क्या, CBSE टू रिड्यूस द सिलेबस बाय 30% फॉर क्लास 9 to 12। और ये जो न्यूज़ आया है, इसके माध्यम से हम लोगों ने यही देखा है कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेशनलाइज स्कूल सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर सब्जेक्ट्स। जो मेन सब्जेक्ट है, उसमें से 30% सिलेबस डिडक्ट कर दिया जाएगा। और कौन कौन से पार्ट को डिलीट किया जाएगा, हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, न्यू दिल्ली इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग COVID-19 क्राइसिस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रेशनलाइज स्कूल सिलेबस अप टू 30%। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द एजुकेशनल मिनिस्टर हैज ऑल्सो एडवाइज टू द नेशनल एजुकेशनल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, टू रिवाइज द करिकुलम एंड रिड्यूस कोर्स लोड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12। यहाँ पर हम लोग साफ देख सकते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि 9 से 12 क्लास के बच्चों का जो भी सिलेबस है, उसको थोड़ा सा डिडक्ट कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों पर ज़्यादा लोड ना पड़े। उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन में क्या कहा, लुकिंग एट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग द कंट्री एंड द वर्ल्ड, CBSE वॉज एडवाइज टू रिव्यू द करिकुलम एंड रिड्यूस द कोर्सेज लोड फ्रॉम द क्लास 9 to 12। ये उन्होंने कहा अपने ट्वीट में। देखिए, ये है ट्वीट, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्निंग अचीवमेंट्स इज इट हैज बीन डिसाइडेड टू रेशनलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर कंसेप्ट। इस हिसाब से उन्होंने कहा है। तो MHRD के हिसाब से जो ट्वीट किया गया, तो उसके हिसाब से CBSE ने रिलीज कर दिया और कहा, द हेल्थ इमरजेंसी इन कंट्री एंड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द एफर्ट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19 pandemic has resulted in the loss of class teaching due to the closure of schools. जितने स्कूल बंद है, इसके वजह से जो भी हम लोगों का नुकसान हुआ है, जो बच्चों का नुकसान हुआ है, उन सभी को ध्यान रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। देखिए दोस्तों, आगे बता दे क्या कहता है, Therefore, the board has decided to revise the syllabus for class 9 to 12 for academic session 2020-21. The changes made in the syllabus have been finalized by the respective course committee, which is approved of the curriculum committee and government body of the board. उन लोगों का जो कमिटी है, उन लोगों ने जो डिसीजन लिया, जो अपना डिटेल बताया है, उन सभी बातों में हम लोग ध्यान देंगे और उसके पूरे डिटेल को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, मैं इस जो डिटेल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उन सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग खुद वहां जाकर पूरे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहते क्या है, द काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, द बोर्ड विच कंडक्टेड द ICSE एंड ISC एनुअल एग्जाम, हैज ऑन लास्ट वीक डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस बाई 25% फॉर द नेक्स्ट अकेडमिक ईयर। और ये जो नेक्स्ट अकेडमी के लिए ही घटाया गया है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा पहला पेज देखने को मिलेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन का। वहाँ पर आप लोगों को 9, 10 दोनों के बैचेस मिलेंगे। 9 पर क्लिक करने से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और वहाँ पर देखिएगा करिकुलम डिस्क्रिप्शन डिटेल डिलीटेड पोर्शन,
जो पोर्शन जिस सब्जेक्ट से डिलीट किया गया उसको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वहीं पर क्लास 11 और 12 के बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप लोग सेकंड पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, वहाँ भी आपको वही डिलीटेड पोर्शन मिल जाएगा। देखिए पहला सिलेबस जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश। इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से पब्लिश कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं पूरे डिटेल में बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा, तो मैं इस वीडियो को बना दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक जरूर क्लिक करके पूरा डिटेल जान सकते हैं। और अगर आपको जरूरत हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में अगर बात करता हूँ तो देखिए लिटरेचर से फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट, और साथ ही साथ अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में देखिए कक्षा 10 का पाठ्यक्रम में दिया हुआ है जो जो चीज़ें वो सब चीज़ें डिटेक्ट करने की बात बताई गई है। निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए, पूरी तरह से लिखा हुआ है कि व्याकरण से कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। अगर वहीं बात करें मैथ की तो मैथमेटिक्स से देखिए कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, बोल रहे हैं द रियल नंबर्स, यूनिट टू अलजेब्रा, पॉलिनोमिनल्स, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। दोस्तों आप लोग खुद इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, ऐसा माना जा रहा है कि मतलब जो डिलीटेड पार्ट नहीं उस पर नो डिलीशन लिखा हुआ है, जो डिलीटेड पार्ट है उस पर डिलीट लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इसको देख करके खुद समझ सकते हैं कौन कौन से पार्ट को डिलीट किया गया, कौन कौन से नहीं किया गया है। अगर अगली सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट आप लोगों का बनता है साइंस का। तो देखिए दोस्तों साइंस में जो जो पार्ट डिलीट किया गया उसके बारे में बताया गया, जो नहीं किया गया उसके बारे में भी दिखा दिया गया है। और साथ ही साथ देख लीजिए आप लोगों का जो यूनिट के हिसाब से चैप्टर दिया हुआ है, सारे चैप्टर्स को आप लोग खुद समझ सकते हैं। जो डिलीट प्रैक्टिकल किया गया है इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या क्या दिया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है। अगली बात करते हैं सोशल स्टडी, तो क्लास 10 का सोशल स्टडी जो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 हिस्ट्री, अगर वहीं बात करें कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट से दिया हुआ है यहाँ पर। और यूनिट 3 की बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो पार्ट दिए गए हैं उसमें बताया गया थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो जो मेन पॉइंट्स हैं उन सभी को ले लिया गया है और जो ज़रूरत नहीं है उन्हें डिलीट कर दिया गया है। अगर बात करें होम साइंस की तो होम साइंस में देखिए ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2, उसके बाद मैनेजमेंट रिसोर्स, टाइम एनर्जी एंड मनी, यूनिट 5, यूनिट 6, इस तरह से दिए हुए हैं क्लास 10 के टॉपिक से होम साइंस से। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो 30% डिडक्शन किया गया है ये कहने मात्र एक 30% डिडक्शन हुआ है। कहा जाता है ना कि हाथी की पूंछ काट दिया, कहा कि देखो भार कम हुआ या नहीं हुआ, बात वही हुआ है आप लोगों के साथ, थोड़ा सा डिडक्शन कर दिया गया है, अब बोला जा रहा है कि आप लोग अब आगे पढ़िए और देखा जा रहा है कि कुछ ईजी टॉपिक को ही डिडक्ट किया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से प्रॉब्लम अगर आपको कुछ होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें और अगर नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आपको सारे अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी कीप लर्निंग। दिस इज दिलीप साहब साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर।